वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो माय फ्रेंड, जैसा कि मैंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कवर कराया और मैग्नेट का एक टॉपिक आपको कवर कराया, तो मैं आज सोच रहा था कि आपको एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है, तो इसलिए मैंने आपको आज ALP प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व कराने का सोच रहा हूँ। तो आज क्वेश्चन ALP प्रीवियस ईयर 2019 का सोल्व कराऊंगा आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, और उसका थ्योरेटिकल नॉलेज भी साथ साथ देते जाऊंगा, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में कुछ जानकारी मिले। और मेरा वीडियो खत्म होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर मेरा PDF का लिंक दिया जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ओके, तो मैं आज ALP प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रहा हूँ, जो आप देखिए। पहला क्वेश्चन है मेरा, उसमें दिया गया है एक क्वाइल का वोल्टेज 100 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और सर्किट का इम्पीडेंस 10 ओम है, तो सर्किट से बहने वाले करंट का मान ज्ञात करें। यानी मेरा क्या क्या दिया गया है, वोल्टेज मेरा दिया हुआ है 100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी मेरा दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, और मेरा इम्पीडेंस मीन्स जेड से डिनोट करते हैं, और ये दिया गया मेरा 10 ओम। तो मेरे को करंट निकालना है I बराबर भाट। I बराबर क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, ये तीनों क्या होता है, विरोध करता है। अगर मेरा X है, रिएक्टेंस है, इसके साथ L लग गया तो क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। X के साथ C लग गया तो मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कोई भी हो, XL हो, XC हो, सबका आपका यूनिट क्या होगा, ओम, ये हमने बताया था। तो जैसा कि I बराबर फॉर्मूला होता है V/R, तो यहां पर मेरा इंपीडेंस दिया गया है जो कि ये भी विरोध कर रहा, इसके लिए फॉर्मूला हम I बराबर V/Z लगाएंगे, और मेरा भी दिया गया है कितना, 100 वोल्ट, और मेरा जेड कितना दिया गया है, 10 ओम, तो ये कट होगा तो कितना आएगा, 10 एम्पियर। यानी कि मेरा करंट का मान कितना आया, 10 एम्पियर। दूसरा मेरा है क्वेश्चन, किस ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा क्लोज रखा जाता है, मींस बंद रखा जाता है। तो ऑप्शन में पहला पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और चौथा है मेरा करंट ट्रांसफार्मर। तो दो तरह के ट्रांसफार्मर, एक होता है CT, एक होता है PT, करंट ट्रांसफार्मर, और एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर, जैसा कि डायग्राम बना रहा हूं, ये मेरा CT है। करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी के अपेक्षा सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होता है, तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न मेरा ज्यादा है। तो करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये करंट ट्रांसफार्मर मेरा टर्न रेशियो पर डिपेंड करता है, अगर सेकेंडरी का टर्न रेशियो ज्यादा है तो ये मेरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा था, किस ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा क्लोज रखा जाता है, तो ये करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा आमीटर से कनेक्ट रहता है। अगर आमीटर से कनेक्ट हम नहीं करेंगे तो क्या होता है, मेरा पूरा वाइंडिंग जल जाएगा, इसलिए मेरा करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा आमीटर से क्लोज रहता है। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक होता है जो कि मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है, ये भी सेकेंडरी में यहाँ पर वोल्ट मीटर लग जाएगा, लेकिन करंट ट्रांसफार्मर को हमेशा क्लोज रखा जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग को। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट वोल्टेज कितना वोल्ट तक लिया जाता है, तो 110 वोल्ट होता है। और करंट ट्रांसफार्मर से कितना एम्पियर, 5 एम्पियर या 1 एम्पियर का करंट लिया जाता है। और मेरा तीसरा क्वेश्चन है, ल्यूमिनस एफिशिएंसी का यूनिट क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन के अनुसार
हम क्या लगाएंगे, लक्स है पहला, दूसरा है फूट कैंडला, तीसरा है ल्यूमेन पर वाट, चौथा है ल्यूमेन। तो ल्यूमिनस एफिशिएंसी मिस होता है इसका यूनिट ल्यूमेन पर वाट। चौथा क्वेश्चन है मेरा, किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया गया है उसको सबसे पहले देखेंगे। पहला मेरा ऑप्शन है बड़े आकार के प्रकाश व्यवस्था में, जहां पर बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा हो, शादी विवाह या कहीं और, जहां पर बड़े आकार के प्रकाश व्यवस्था में, तो वहां पर छोटा लैंप का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये तो सोचने वाली बात है। दूसरा मेरा है स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में, और तीसरा है मेरा इंडस्ट्रियल एरिया, चौथा है मेरा स्टेडियम की प्रकाश व्यवस्था। तो स्टेडियम की प्रकाश व्यवस्था में तो हमेशा हैलोजन लैंप का प्रयोग किया जाता है, और इंडस्ट्रियल एरिया में भी दूसरा लैंप प्रयोग किया जाएगा, लेकिन यहाँ स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था जो ये इसके ऑप्शन के अनुसार वाहनों में हम कम वोल्टेज का लैंप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये जगह स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में तो हम कम वोल्टेज का प्रयोग करते हैं, लेकिन बड़े कार के प्रकाश व्यवस्था, इंडस्ट्रियल एरिया, स्टेडियम के प्रकाश व्यवस्था, ये सब में हमेशा हम बड़े कार के लैंपों का प्रयोग करते हैं, हैलोजन लैंप ज्यादातर प्रयोग किया जाता है स्टेडियम में। स्टेडियम में पूछा जाता है कि कौन सा लैंप प्रयोग किया जाता है, तो हैलोजन लैंप। मेरा पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा मानक वोल्टेज प्राथमिक वितरण के लिए उपयोग किया जाता है, यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि जनरेटिंग स्टेशन एक होता है, ये मेरा है जनरेटिंग स्टेशन, जहां पर बिजली पैदा किया जाता है। तो बिजली पैदा होता है हमेशा कितना, 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट पैदा होता है, 11 केवी पैदा होता है, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 132 केवी में, उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा बढ़ाकर हम 11,000 से 132 करते हैं। पहले ट्रांसमिशन लाइन में भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, वहां से ट्रांसमिट होने के बाद मेरे को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में क्या होता है, 132 के भी कोई 11 के भी में कन्वर्ट कर देता है, 132 के भी जो मेरा गया प्राइमरी और सेकेंडरी, जहां मेरा सब स्टेशन में भेजना होगा वहां हम भेजेंगे 11 के भी, सब स्टेशन में मेरा 11 के भी जाएगा, और वहां से हमारे घर में प्रयोग होता है जो 400 वोल्ट का प्रयोग करते हैं, या 230 प्रयोग करते हैं, 3 फेज के लिए 440, या 2 फेज सिंगल फेज के लिए 230 वोल्ट, ये प्रकाश व्यवस्था या मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन था मेरा, कौन सा मानक वोल्टेज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से 11 केवी ही निकलता है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 11 केवी होता है, और जनरेटिंग स्टेशन से भी हमेशा पैदा होता है 11 केवी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जनरेटिंग स्टेशन पर कितना वोल्टेज पैदा किया जाता है, तो हमेशा जनरेटिंग स्टेशन पर 11,000 वोल्ट ही पैदा किया जाता है। अगला मेरा है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग किससे जुड़ा होता है। जैसा कि जनरेटर चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको दो तरह के, एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है और एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक होता है सेल्फ, दो तरह का जनरेटर होता है, एक सेल्फ एक्साइटेड होता है, एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसका सप्लाई हम सेपरेट बाहर से कोई डीसी सोर्स के द्वारा दिया जाता है, इसमें बाहर से हम डीसी सोर्स दे के फील्ड वाइंडिंग को हम एक्साइट करते हैं, स्टार्टिंग में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में बाहर से हम डीसी सोर्स देते हैं, जबकि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में मेरा रेसिडुअल मैग्नेट का गुण रहता है, जिसके कारण स्टार्टिंग में वोल्टेज इससे मिलता है और एक्साइट होता है, यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर डीसी सोर्स के द्वारा फील्ड वाइंडिंग एक्साइट होता है, और मेरा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर इसमें जो रेसिडुअल मैग्नेट रहता है उसके कारण इसका फील्ड वाइंडिंग एक्साइट होता है। तो इसमें मेरा क्वेश्चन पूछ रहा कि एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग किससे जुड़ा होता है, तो इसमें जो है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर इसका फील्ड वाइंडिंग हमेशा सप्लाई के साथ सीरीज में ही रहता है। इसका पहला ही ऑप्शन में मेरा दिया हुआ है सप्लाई के साथ सीरीज में, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा सप्लाई के साथ सीरीज में।
दूसरा क्वेश्चन है मेरा 7 नंबर, एक 3 इनपुट नॉर गेट कब उच्च आउटपुट देगा। गेट से हम आपको बता रहे हैं, पहले हम आपको और गेट थोड़ा बताते हैं। और गेट में क्या है, इसमें अगर और गेट में एक भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट मेरा हाई मिलता है। इसी के जगह अगर नॉर गेट होता है तो नॉर गेट में क्या होता है, अगर एक भी इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, लो मिलेगा। लेकिन सभी इनपुट अगर लो रहेगा तो आउटपुट हमेशा हाई मिलता है। जैसा कि सभी इनपुट लो है मेरा तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो ये मेरा है नॉर गेट, यानी और गेट का अपोजिट होता है नॉर गेट। यानी और गेट में हम कह सकते हैं एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हमेशा हाई मिलेगा, जबकि नॉर गेट में सभी इनपुट लो होने पर आउटपुट हमेशा हाई मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला ऑप्शन है सभी इनपुट लो हो, दूसरा ऑप्शन एक भी इनपुट उच्च हो, तीसरा ऑप्शन है सभी इनपुट उच्च हो, और चौथा ऑप्शन है एक भी इनपुट निम्न हो। तो पहला ही ऑप्शन में सभी इनपुट लो रहने पर नॉर गेट में आउटपुट हमेशा हाई मिलता है। और मेरा 8 नंबर का क्वेश्चन है, सोल्डरिंग की क्रिया में प्रवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है। सोल्डरिंग करते यानी टाका लगाने के समय हमारे को क्या जरूरी है, क्या रहना जरूरी है उसमें कांस्टेंट। तो पहला ऑप्शन है लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी उसका टेम्परेचर लो रहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त रखना। और तीसरा ऑप्शन है तापमान को कम करना, यानी टेम्परेचर को हमेशा लो रखना। और चौथा ऑप्शन है उचित बनावट को सुनिश्चित करना, यानी उसका बनावट सुनिश्चित करना, यह चौथा ऑप्शन में। तो हम इसका ऑप्शन नंबर बी में जैसा कि देख रहे हैं, धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त रखना। यानी जब भी हम सोल्डरिंग करते हैं, कोई भी सतह पर सोल्डरिंग करते हैं, तो सबसे पहले उसके सतह को हम साफ करते हैं। उसके सतह को साफ करके वहां पर हम सोल्डरिंग करते हैं। तो ये बोल रहा है कि ऑक्साइड मुक्त रखने के लिए धातु की सतह को हम साफ करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त रखना। 9 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार का रिले प्रयोग किया जाता है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, दो तरह का लाइन होता है और दोनों में पूछा जाता है किस प्रकार का रिले प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए मेरा इम्पीडेंस रिले प्रयोग होता है, जबकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए पूछेगा तो मेरा महोर रिले प्रयोग होगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए। अगला क्वेश्चन है मेरा, इलेक्ट्रिक स्टोव के लिए फ्रीक्वेंसी कितना होता है। पहले हम बताएं कि भारत में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, यानी 50 हर्ट्ज। तो इलेक्ट्रिक स्टोव हो या फिर कोई और चीज हो, तो इसका फ्रीक्वेंसी हमेशा 50 हर्ट्ज ही होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाफ वेव को प्योर करने के लिए एफिशिएंसी कितना होता है। हाफ वेव को शुद्ध करने के लिए एफिशिएंसी कितना होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में इसका एफिशिएंसी कितना होता है, 20%, 40.6%, 100%, 81.2%। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमेशा एफिशिएंसी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कितना है, तो 40.6% होता है। और वहीं पर अगर आपको फुल वेव का एफिशिएंसी पूछ दिया जाए तो 81.2% होता है फुल वेव का। अगला मेरा क्वेश्चन है 12 नंबर, क्लिट वायरिंग। क्लिट वायरिंग में स्लॉट बनाए जाते हैं। क्वेश्चन है क्लिट वायरिंग में स्लॉट बनाए जाते हैं। ऑप्शन है ग्लास, कॉपर, स्टील, पोर्सलिन। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्लिट वायरिंग क्या है। तो घरेलू वायरिंग में दो तरह के वायरिंग होता है, एक होता है मेरा टेम्प्रोरी वायरिंग, एक होता है मेरा परमानेंट वायरिंग। तो मेरा जो क्लीट वायरिंग है वो मेरा टेम्प्रोरी वायरिंग के अंतर्गत आता है। टेम्प्रोरी वायरिंग में भी दो तरह का वायरिंग होता है, एक होता है क्लीट वायरिंग, एक होता है फ्लेक्स लेवल वायरिंग। तो फ्लेक्स लेवल वायरिंग जो होता है
1 month के लिए लगाया जाता है, 1 month के लिए लगा जाता है, फिर उसके बाद हम उसको हटा देते हैं। लेकिन जो टेम्प्रोरी वायरिंग में क्लिट वायरिंग है, इसको 1 साल तक, 1 साल या 1.5 साल तक मैक्सिमम हम लगा सकते हैं। तो टेम्प्रोरी वायरिंग में मेरा क्लिट वायरिंग आता है। तो क्लिट वायरिंग में क्या होता है कि इसका जो वायर होता है नंगा होता है, नंगा ही रहता है। इसको हम फिक्स करने के लिए क्लिट वायरिंग का उपयोग करते हैं, क्लिट का उपयोग करते हैं। क्लिट में दो सतह होता है, एक अपर एक लोअर। तो लोअर सतह में ऐसा रहता है और लोअर में मेरा क्या स्लॉट बना हुआ रहता है, और इस स्लॉट में मेरा वायर जाता है और ऊपर से एक इसका रहता है जो इसको ढक देता है, ऊपर से पेच, दो पेच से कस दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। इसे हम बोलते हैं क्लिट वायरिंग। तो क्लिट वायरिंग वही पूछ रहा है कि जो क्लिट वायरिंग में हमारा जो स्लॉट के अंदर से वायर जाता है, तो जो क्लिट इसका रहता है क्या चीखा बना रहता है। तो क्लिट वायरिंग बनाने के लिए हम जो क्लिट स्लॉट जो रहता है मेरा क्या चीखा बना होता है, पोर्सलिन का। अगला क्वेश्चन है मेरा, 500 केवीए तक आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है। तो ये हाई केवीए, ज्यादा, बहुत ज्यादा केवीए का ट्रांसफार्मर है, 500 केवीए। तो पहला मेरा ऑप्शन है VDR। तो VDR का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। कभी कभी ऑप्शन में भी वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, कभी कभी एग्जाम में VDR का फुल फॉर्म भी आता है। तो VDR एक प्रकार का रेजिस्टर है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये तो ट्रांसफार्मर नहीं है, ये एक है डिमर स्टार्ट, और एक ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, एक है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो मेरा ट्रांसफार्मर इसमें से दो है, एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो क्वेश्चन है 500 केवीए तक आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है। तो स्टेप ऑफ तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है मेरा 500 केवीए तक ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ये हाई केवीए वाले ट्रांसफार्मर होता है। तो मेरा इसका आंसर होगा 500 केवीए तक वाले ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हम वाटर कूलिंग करना आसान होता है, जैसे कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इसको कूलिंग करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने के लिए हम वाटर कूलिंग का उपयोग करते हैं। तो वाटर कूलिंग मेरा क्या होता है कि ये मेरा अंदर में कॉइल है और इसके चारों तरफ पाइप रहता है, वाटर पाइप, और इसका एक इनपुट बाहर रहता है, एक आउटपुट इधर रहता है। इधर से वाटर जाता है और ये चारों तरफ होते हुए इधर से वाटर निकल जाता है। और इस ये जो मेरा कॉइल है, बाइंडिंग है, ये मेरा कॉइल में डूबा हुआ रहता है। जब ये गर्म होता है तो इधर से पानी मेरा ठंडा जाता है, और ये पानी जब इसके संपर्क में आता है, बाइंडिंग के संपर्क में आता है, तो क्या होता है कि मेरा कॉइल और बाइंडिंग जो गर्म है वो पानी के संपर्क में आने से ठंडा हो जाता है। बाइंडिंग मेरा ठंडा हो जाता है और पानी मेरा क्या होता है, गर्म हो जाता है, और ये मेरा आउटपुट में इधर से पानी गर्म वाला निकल जाता है। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए एक चीज इसमें क्या है कि इसमें जो वाटर है और एक कॉइल है, तो वाटर का प्रेशर हाई रखा जाता है, वाटर का प्रेशर हाई रहता है वॉइल के अपेक्षा, इसलिए कि कभी अगर अंदर में पाइप लीक हो जाए तो वॉइल वाटर के साथ मिक्स होके बाहर निकल जाए। इससे हमें पता चलेगा कि अंदर में मेरा त्रुटि है, ट्रांसफार्मर को तुरंत बंद कर देंगे और मेरा पता चलेगा कि हाँ अंदर में मेरा पाइप लीक है, कहीं पर डैमेज है, इसलिए मेरा वाटर का प्रेशर हाई रखा जाता है वॉइल के अपेक्षा। तो 13 नंबर का मेरा हो गया। और 14 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, किसी मोटर की गति नियंत्रण का सबसे कमजोर होता है, कौन सा मोटर है जिसको गति नियंत्रण करना सबसे कमजोर है। तो इसमें ऑप्शन है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, शंट मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, और एक है सीरीज मोटर।
शंट मोटर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, जैसा कि इसमें ऑप्शन है डिफरेंशियल कंपाउंड और एक है कम्युलेटिव कंपाउंड, ये दोनों तो कभी नहीं होगा क्योंकि सबसे ज्यादा पावर में यूज होता है। और ये मेरा है शंट मोटर, ये तो कांस्टेंट स्पीड देता रहता है, शंट मोटर हमेशा कांस्टेंट स्पीड देता है। और ये है मेरा सीरीज मोटर, तो सीरीज मोटर में मेरा क्या होता है कि जैसे ही ये हमेशा लोड पर काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है सीरीज मोटर को हमेशा ही स्टार्टिंग करते हैं लोड पर, विदाउट लोड इसको स्टार्टिंग नहीं कर सकते, बिना लोड के अगर इसे हम स्टार्ट कर दें तो ये कई खंडों में टूट जाएगा जिससे मानव जीवन में खतरा पैदा करेगा, इसलिए हमें इसको हमेशा ही लोड से कनेक्टेड करते हैं, जब इसमें लोड रहेगा तभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें इस मोटर में मेरा जो सीरीज मोटर है उसका गति नियंत्रण सबसे कमजोर है क्योंकि इसको हमेशा लोड से स्टार्ट करना पड़ता है, विदाउट लोड अगर स्टार्ट करेंगे तो इसका स्पीड रोक नहीं सकते हैं और ये कई खंडों में टूट जाएगा, इसलिए मेरा इसका आंसर होगा सीरीज मोटर। तो अगला क्वेश्चन है मेरा 15 नंबर, इंडक्शन मोटर के स्पीड इंक्रीज होने पर खाली स्थान में थोड़ी सी कमी होती है। इंडक्शन मोटर में बोल रहा है कि स्पीड जब इंक्रीज होगा तो इसमें क्या चीज का कमी होगा, तो पहला ऑप्शन है मेरा चुंबकीय प्रवाह, दूसरा है धारिता, तीसरा है लोड, चौथा है मेरा रेजिस्टेंस प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस से कोई रिलेटेड नहीं है, कैपेसिटेंस से कोई रिलेटेड नहीं है, चुंबकीय प्रवाह से कोई रिलेटेड नहीं है, तो मेरा जब भी इसका आंसर होगा लोड यानी भार। तो क्या होता है, ये इंडक्शन मोटर या कोई भी मोटर हो जब उसमें लोड डालेंगे तो थोड़ा सा स्पीड में कमी होगा, इंडक्शन मोटर हो, जबकि मेरा शंट मोटर भी जो कांस्टेंट स्पीड पर चलता है इसमें भी लोड में थोड़ा सा कमी होगा, इसलिए मेरा इसका ऑप्शन होगा लोड। लोड पर डिपेंड करता है इसका स्पीड, या इंक्रीज होगा इंक्रीज लोड स्पीड इंक्रीज होने पर हमेशा ही लोड में थोड़ी सी कमी होती है। 16 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन के ताप नियामक घटक को क्या बोलते हैं। ऑटोमेटिक जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें टेम्परेचर को जो कांस्टेंट करता है, ताप नियामक घटक कराता है जो टेम्परेचर को कांस्टेंट करके बताता है, उसे क्या बोलते हैं। तो पहला है प्रेशर प्लेट, दूसरा है थर्मोस्टेट, तीसरा है तापीय अवयव, चौथा है ठोस प्लेट। तो इसमें जो थर्मोस्टेट मेरा रहता है ये मेरा आंसर होगा, थर्मोस्टेट का काम है उसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट करना कम या ज्यादा, तो इसका आंसर होगा मेरा थर्मोस्टेट। 17 नंबर का क्वेश्चन है मेरा, श्रेणी धारिता वोल्ट मीटर का मापन कर सकता है, सीरीज कैपेसिटेंस वोल्ट मीटर का मापन कर सकता है, कैपेसिटिव सर्किट हो इंडक्टिव सर्किट हो तो हमेशा ही एसी पर निर्भर करता है, अब वोल्ट मीटर है तो वोल्टेज ही मापेगा, तो करंट वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, तो मेरा एक हो गया एसी वोल्टेज, हो गया डीसी वोल्टेज, तो डीसी तो माप नहीं सकता इसलिए इसका आंसर होगा एसी वोल्टेज। तो अगला मेरा क्वेश्चन है 18 नंबर, किस मीटर का इंसुलेशन परीक्षक माना जाता है, किस मीटर से हमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, दूसरा है मेगर, तीसरा है वाट मीटर, चौथा है इंसुलेटर। ये तो ऑप्शन ऐसे ही छट गया, फ्रीक्वेंसी छट गया, वाट मीटर से पावर मापते हैं छट गया, इंसुलेटर एक प्रकार का ये तो छट गया, और ये दूसरा नंबर में मेगर। तो मेगर ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम की इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी वायर के ऊपर जब कोटिंग किया जाता है तो उसके ऊपर जो इंसुलेशन रहता है उसको चेक करने के लिए हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए मेगर का उपयोग करते हैं, इसका ऑप्शन होगा दो नंबर मेगर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, कठोर तार को काटने के लिए किस प्रकार का प्लायर का उपयोग करते हैं। तो किस प्रकार का, पहला ऑप्शन है लॉकिंग प्लायर, दूसरा है वायर स्ट्रिपर, तीसरा है लॉन्ग नोज प्लायर, चौथा है डायगोनल प्लायर। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वायर स्ट्रिपर से तो वायर को नॉर्मली वायर को काटने के लिए प्रयोग करते हैं, और ये लॉकिंग प्लायर से नहीं होगा, लॉन्ग नोज प्लायर प्लायर भी नहीं होगा, इसमें डायगोनल प्लायर होगा जिससे कि कठोर तार जो हार्ड हार्ड जो वायर रहता है उससे हम काटने के लिए डायगोनल प्लायर का उपयोग करते हैं। और 20 नंबर का क्वेश्चन मेरा, एसी सर्किट को इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्शन में रेट किया जाता है। तो हमने बताया था कि कैपेसिटिव रिएक्शन हो
या एक्सी हो या एक्सएल हो, एक्स मीन्स रिएक्टेंस और सी मीन्स कैपेसिटिव, एल मीन्स इंडक्टिव, या कैपेसिटिव सर्किट हो या इंडक्टिव सर्किट हो, तो हमने बताया था उसका यूनिट ओम ही होता है। तो इससे हम क्या चीज है नोट करेंगे, यूनिट इसका क्या होगा, ओम। तो आज का मैंने 20 क्वेश्चन कराया आपको जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां पर आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कीजिए। और मेरा चैनल में जो नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट कवर किया वो देखिए, और मैग्नेट का एक टॉपिक कवर किया वो देखिए, और ये 25-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं एलपी प्रीवियस ईयर का। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।